मैंने गाना भी बनाया अभी नया, गाना आने वाला है वो जनवरी में आएगा, उसका नाम ही है द करमपुरा सॉन्ग। हाँ भाई, तो कैसे हो सभी? तो चलो अभी अपन शुरू से शुरू करते हैं। आप सबको तो याद होगा रिसेंटली हनी पाजी ने जब टॉडी ऐप का ग्रैंड लॉन्च रखा था तो वहाँ पे एक ट्रैक की अनाउंसमेंट करी थी द करमपुरा सॉन्ग। और जो करमपुरा है वो हनी पाजी की बर्थ प्लेस है जो बेसिकली बेस्ट दिल्ली में है। तो हनी पाजी ने पूरा ट्रैक बना दिया था। तो बात ऐसी है, आज इस ट्रैक का शूट हो रहा है, आई थिंक इस ट्रैक का शूट मिहिर गुलाटी कर रहे हैं। तो इसमें दो अच्छी बात है कि ये दिन में शूट हो रहा है तो बहुत दिनों बाद मिहिर गुलाटी का जो डायरेक्शन है वो अपन को दिन में देखने को मिलेगा। एंड जो दूसरी बात है वो ये है कि ये ट्रैक ओल्ड हेयर स्टाइल में होने वाला है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एल्बम से पहले इस ट्रैक में अपन को हनी पाजी की ओल्ड हेयर स्टाइल देखने को मिलेगी। हनी पाजी क्या ही लग रहे हैं? तो भाई अभी ये वाला टाइम है ना जो हनी पाजी को फुल सपोर्ट करने का टाइम है। तो भाई Spotify पे ना जितना हो सके उतने स्ट्रीम्स करो, जितना हो सके ना उतने गाने सुनो उनके। ओके, अगली न्यूज़। तो आप सबको तो याद है रिसेंटली बेला ने एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर ली थी खुद से हनी पाजी के साथ में। तो उस वजह से बेला को भाई साहब बहुत ज़्यादा हेट मिली थी बिकॉज ऑफ हनी पाजी के ट्रू फैंस, एंड बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फेस करनी पड़ी थी। तो बेला ने उस टाइम पे तो सॉरी बोल दिया था, लेकिन बेला ने अभी फिर से हनी पाजी को फॉलो कर लिया है, देख लो। एंड एक पोस्ट डाली थी, ये देख लो, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उन्होंने माफी मांगी है हनी पाजी से। आप ये पढ़ लेना पॉज करके। बाकी कोई दिक्कत नहीं है भाई, बेला एक नंबर काम करता है, फुल सपोर्ट है भाई को। बस बेला को थोड़ी गलतफहमी हो गई थी तो गुस्से में बोल दिया होगा, तो आप लोग भी ज्यादा मत सोचना। ओके, इसके अलावा हनी पाजी का एक और इंटरव्यू निकला था जिसमें बात हुई थी उनकी चेले चपाटी के बारे में। समझ रहे हो आप? तो मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे किन के बारे में बात हुई है और किन की साइड ये इशारा था। पर आपके कुछ चेले हैं, चपाटे हैं जो बहुत काम कर रहे हैं मार्केट में। वो क्या हो? वो तो मतलब बहुत बड़ी बड़ी बोलते हैं, वो तो बोले जा रहे हैं अच्छी बात है ना सर, करने दो। मैं तो किसी के बारे में कुछ नहीं बोलता मेरा, आप खोल के देख लो। मेरे कई लोगों ने अपने करियर शुरू करे मुझे गाली देके, मैंने उनको जवाब नहीं दिया। ये तो फिर भी अच्छा काम कर रहे हैं लड़के, I'm happy what they doing. But क्या कमी कर रहे हैं उनके? ये देखिए, आप गुरु हैं एंड ऑफ द डे, वो मानते भी आपको गुरु हैं, तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे उन्हें? मैं सच में कि बेटा ये हो तुम, ऐसे नहीं ऐसे भी कर सकते हो। नहीं, मैं सच में किसी को सुनता ही नहीं, मैं उनका काम सुनता ही नहीं। किसकी खबर तो मिल जाती है, म्यूजिक सुनते हैं। खबर मिल जाती है, ये सजेशन तो दो अपने चाहने वालों को यार, आपके प्रिय। बस यही है, मुझे फॉलो करते रहो, कामयाब होते रहोगे। सीधा संदेश यही है कि बेटा अभी तक फॉलो किए और फॉलो करते रहो, करते रहो, कामयाब होते रहो। परिंदे ही है, शेर थोड़ी ना, तोड़ेंगे। क्या क्या बोला है, क्या बोला है, हवा में उड़ते हैं तो परिंदा ही है ना, शेर थोड़ी ना। बाकी इस बात से तो मैं 100% एग्री करता हूँ कि हनी पाजी ने जो छाप छोड़ी है वो छाप कोई छोड़ ही नहीं सकता है। उनको कोई बीट करने वाला आज तक बना ही नहीं है, क्योंकि हनी पाजी ओनर है उस स्कूल के जिसमें ये सभी स्टूडेंट्स पढ़ते थे। ओके, दिस वॉज इट। सो आज के लिए बस इतनी न्यूज़ थी। अगर वीडियो सही लगी है मेरे भैया तो लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर ट्रू फैन हो हनी पाजी के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।